हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का गुण क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम टू सेम ग्लूकोज जैसा ही है। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रुक्टोज, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रुक्टोज के गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का गुण क्या क्या होता है। अब देखिए पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है। भौतिक गुण में ग्लूकोज इज द कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि यह रंगहीन एक क्रिस्टलीय ठोस है। क्या, सॉरी फ्रुक्टोज, यह क्या है, कलरलेस, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि यह क्या, रंगहीन एक प्रकार का ठोस है, रंगहीन ठोस है। सॉल्युबल इन वाटर, पानी में विलय होता है। Soluble in water, पानी में क्या होता है, विलय होता है। एंड इट एक्वस सॉल्यूशन इन द लिवो रोटेटरी, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लिवोलोज, और इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है वह लिवो रोटेटरी होता है। एक्वस सॉल्यूशन इज लिवो रोटेटरी, अब समझिए कि लिवो रोटेटरी है क्या, अब समझिए कि लिवो रोटेटरी है क्या, लिवो रोटेटरी, ठीक है, लिवो रोटेटरी रोटेटरी लिवो रोटेटरी, ठीक है। अब देखिए लिवो रोटेटरी तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो होता है लिवो रोटेटरी। तो प्लेन पोलराइज लाइट हम लोग पढ़ते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, राइज लाइट, तब इस प्लेन पोलराइज लाइट का दिशा अगर दाएं से बाएं तरफ होगा, यानी कि राइट टू लेफ्ट, क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू अगर लेफ्ट हो जाए तो इसको कहेंगे लिवो रोटेटरी, और जब ये लेफ्ट टू राइट हो जाए, क्या हो जाए, लेफ्ट टू राइट हो जाए तब उसको कहेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, लिवो रोटेटरी, लिवो रो रोटेटरी, एकरा कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दैट इज कॉल्ड द लिवो रोटेटरी, और इफ द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स द राइट साइड, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो यहाँ पे फ्रुक्टोज का एक्वस सॉल्यूशन लिवो रोटेटरी होता है, इसका कारण है कि इसमें प्लेन पोलराइज लाइट की दिशा दाएं से बाएं तरफ है, इसीलिए लिवो रोटेटरी। तो फ्रुक्टोज इज द कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में क्या होता है, विलय होता है, विलय होता है। इट एक्वस सॉल्यूशन इन द लिवो रोटेटरी, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लिवोलोज, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिवो रोटेटरी होता है, इसीलिए इसे लिवोलोज भी कहा जाता। अब इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए, सबसे पहले लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, लिखिए लिखिए फ्रुक्टोज इज लिखिए इट इज कलरलेस, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर सॉल्युबल इन वाटर, इट एक्वस सॉल्यूशन इज, इट एक्वस
सॉल्यूशन इज लिवो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेबुलोज, इट इज कॉल्ड एज लेब्यूलोज, लेब्यूलोज, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लेब्यूलोज कहा जाता है। अब दूसरा देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, अब इसका रासायनिक गुण देखिए, इन ग्लूकोज, ठीक देखिए, इन फ्रुक्टोज, सॉरी इन फ्रुक्टोज, वन कीटोन ग्रुप, वन कीटोन ग्रुप एंड और फाइव हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, हेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, हेंस द फॉलोइंग रिएक्शन आर टेक प्लेस इन टू स्टेप, आर टेक प्लेस इन टू स्टेप, ठीक है, दो स्टेप में संभव होता। पहला रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीटोन, ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कीटोन, ठीक, और दूसरा रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फाइव OH ग्रुप, फाइव OH को कर दीजिएगा हाइड्रोक्साइड ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक, हाइड्रोक्सी ग्रुप। इतना तक सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लिए, तब तक हम इंग्रा करते हैं। अब लिखे पहला रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कीटोन में, पहला देखिए रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कीटोन। अब कहिए सर जी इसका स्ट्रक्चर पहले बना के देखा, देखिए सी एच टू ओ एच है, यहाँ पे सी ओ आ गया, फिर सी एच ओ एच आ गया, फिर सी एच ओ एच आ गया, फिर सी एच ओ एच आ गया और फिर आ गया सी एच टू ओ एच। अब देखिए पांच गो एच ग्रुप है, एक दो आ गया, तीसर का यह आ गया, चौथा यह आ गया और पांच एक आ गया, पांच गो एच ग्रुप आया, एक वो क्या है कीटोन है, यह क्या है कीटोन ग्रुप है। तो रिएक्शन, रिएक्शन दो स्टेप में, पहला रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीटोन ग्रुप और दूसरा रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइव हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो पहला लिखेंगे रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीटोन में, अब इसमें आ जाता है पहला में, पहला रिडक्शन, रिडक्शन विद सोडियम अमलगम, ठीक है, विद सोडियम अमलगम, अमल गम लिखिए, व्हेन व्हेन फ्रुक्टोज इज, व्हेन फ्रुक्टोज इज रिड्यूस्ड विद, व्हेन फ्रुक्टोज इज रिड्यूस्ड विद, रिड्यूस्ड विद सोडियम अमल गम, सोडियम अमल गम, ठीक है, सोडियम अमलगम देन हेक्साहाइड्रिक, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल इज ऑब्टेन, अल्कोहल इज ऑब्टेन,
हेक्साहाइड्रिक अल्कोहलिज ऑब्जेंट, ठीक है, क्या कर रहा है, रिडक्शन विद द सोडियम अमलगम, व्हेन द प्रोपोज इज रिड्यूस्ड विद द सोडियम अमलगम देन द हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल इज ऑब्टेन, तब क्या प्राप्त होता है, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक। दिस इज आल्सो कॉल्ड सोर्बिटॉल, इसे ही सोर्बिटॉल कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज सोर्बिटॉल, सोर्बिटॉल, इसे सोर्बिटॉल भी कहा जाता है या मैनिटॉल। अब यहाँ पे यहाँ पे इसका केमिकल रिएक्शन देखिए, अब यह CH2OH आ गया, फिर यह क्या आ गया, CO कीटोन आ गया, और CHOH का होल थ्राई हम लिख सकते हैं, और फिर क्या लिख सकते हैं, CH2OH। अब इसको किसके साथ रिडक्शन करा दिए, सोडियम अमलगम के साथ, NaHG के साथ, तब जो प्राप्त होता है वह हेक्साहाइड्रिक ग्रुप क्या होता है, ग्लूकोज प्राप्त हो जाए, अल्कोहल प्राप्त होता है, CH2OH आ गया। अब यहाँ पे देखिए C, अब यहाँ जो प्राप्त होगा CHOH, ठीक है, फिर प्राप्त हो गया CHOH के होल थ्राइस लिख सकते हैं, और फिर CH2OH, तो इसको कहते हैं हम लोग हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, इसको क्या कहते हैं, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, रिडक्शन विद द सोडियम अमलगम, व्हेन फ्रुक्टोज इज रिड्यूस्ड विद द सोडियम अमलगम देन द हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल इज ऑब्टेन, और दिस इज आल्सो कॉल्ड द सोर्बिटॉल या मैनिटॉल। यह क्या फ्रुक्टोज है, क्या फ्रुक्टोज है, और इसका रिडक्शन सोडियम अमलगम के साथ हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हो गया, और यह शोज करता है कि प्रेजेंट ऑफ कीटोन, इट इज शोज दैट प्रेजेंट ऑफ कीटोन, लिख दीजिएगा, इट शो दैट प्रेजेंट ऑफ कीटोन, प्रेजेंट ऑफ कीटोन, कीटोन, ठीक। इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज में कहता है कि इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर, यह कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, लेकिन जल में विलय होता है, एट एक्वस सॉल्यूशन इज द लेबो रोटेटरी, इसका जलीय विलय लेबो रोटेटरी, इसीलिए लेबुलोज कहा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, फ्रुक्टोज द वन कीटोन ग्रुप एंड द फाइव हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट, हियर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन टू स्टेप, पहला रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कीटोन, दूसरा रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, पहला में आ जाता है रिडक्शन विद प्रेजेंट ऑफ द कीटोन, पहला रिडक्शन विद द सोडियम अमलगम, तब व्हेन फ्रुक्टोज इज रिड्यूस्ड विद द सोडियम अमलगम देन द हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल इज ऑब्टेन, दिस शोइंग द प्रेजेंट ऑफ द कीटोन, यह शो करता है, दिखाता है कि प्रेजेंट ऑफ कीटोन, ठीक। यह क्या होगा, समझ में आ रहा है, सेम टू सेम ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टी फ्रुक्टोज के पे आ जाता है, ठीक। सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, लिखिए अगला, लिखिए पहला रिएक्शन तो हो गया, दूसरा लिखिए ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, दूसरा लिखिए ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, लिखिए ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, लिखे दूसरा ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, दूसरा रिएक्शन आ गया ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लिखिए व्हेन फ्रुक्टोज इज, व्हेन फ्रुक्टोज इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड विथ नाइट्रिक एसिड, विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, देन ग्लाइसीरिक, ग्लाइसीरिक एसिड एंड और मिसोटार्ट्रिक एसिड इज ऑब्टेन, टार्टरिक एसिड इज ऑब्टेन, दिस शोइंग द
this showing the presence of ketone. Presence of ketone in fructose. अब क्या व्हेन फ्रुक्टोज इज ऑक्सीडाइज विद नाइट्रिक एसिड, जब फ्रुक्टोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ देन द ग्लाइसिरिक एसिड, तब ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है ग्लाइकोलिक, देन ग्लाइकोलिक एसिड एंड द मेसोटार्टरिक एसिड इज द ऑप्टेन दिस शोइंग द प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन फ्रुक्टोज. अब देखिए CH2OH आ गया, CO आ गया, CHOH आ गया, फुल थ्राइज और क्या आ गया CH2OH आ गया. अब इसका क्या कर दे, ऑक्सीडाइज करा दिए किसके साथ, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, तब जो प्राप्त होता है ग्लाइकोलिक एसिड प्राप्त, CH2OH और COOH प्राप्त होता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड. अब पहला COOH CHOH और प्राप्त हो जाता है COOH, ठीक है COOH. इससे आप पे लिख दीजिएगा इसको इसको कहते हैं मेसोटार्टरिक एसिड. इसको क्या कहते हैं, मेसोटार्टरिक एसिड हम लोग कहते हैं. अब देखिए तो दूसरा रिएक्शन भी समझ में आ गया, जब ये ऑक्सीजन के साथ HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज होगा कौन, फ्रुक्टोज, तो व्हेन फ्रुक्टोज इज ऑक्सीडाइज विद द नाइट्रिक एसिड एंड द ग्लाइकोलिक एसिड एंड द मेसोटार्टरिक एसिड इज ऑप्टेन दिस शोइंग द प्रेजेंस ऑफ कीटोन, या कीटोन पाए जाने की संभावना को क्या करता है, दर्शाता. अब यहां पे देख CH2OH COOH इसके साथ सब जाएगा, फिर यहां पे CHOH आ जाएगा OH के रूप में, और फिर यहाँ पे CH2OH यहाँ पे भी आ जाएगा, तीन गो है तो पाँच गो, तीन एक, तीन गो एक चार गो, पाँच एक छः गो आ गया. यहाँ पे देखिए एक दो कार्बन है जो तीन गो, तीन दो पाँच एक छः, यानी पूरा क्या बैलेंस आ गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया. अब देखिए तीसरा रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है हाइड्रोक्सिल एमीन लिखिए, व्हेन फ्रुक्टोज इज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन देन ऑक्सीजन इज ऑब्टेन This is showing the presence of ketone. In fructose. या फ्रुक्टोज में कीटोन और पाए जाने की संभावना को क्या करता दिखाता. हाँ अब देखिए तो इसका CH2OH आ जाएगा, फिर CO CHOH के होल थ्राइस और फिर CH2OH. अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ H2NOH के साथ आ गया, ठीक है. अब देखिए CH2OH, ठीक है, अब C11NOH आ गया, फिर CHOH के आ गया होल थ्राइस और फिर आ गया CH2OH. अब देखिए यह जो H2 है, यह जो H2 इस ऑक्सीजन को लेकर क्या किया गया, निकल गया, एलिमिनेट कर गया और बनेगा क्या, प्लस H2O. तो यह जो प्राप्त हो गया यह ऑक्सीम है, क्या है, ऑक्सीम, ठीक है, यह ऑक्सीम. इतना तक सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आता कोई. कर ली हुई है नोट, अगला लिखिए. सब रिएक्शन हो गया, तीन चौथा लिखिए, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजिन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजिन. लिखे रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजिन
चौथा रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजन, फिनाइल हाइड्राजन ठीक है लिखिए। व्हेन फ्रुक्टोज इज रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्राजीन देन ओसाजोन इज फॉर्म्ड, दिस शोइंग द प्रेजेंट दिस इज ओसाजोन फॉर्मेशन इसी को ओसाजोन फॉर्मेशन कहते हैं। आप देखिए दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इन 3 स्टेप या 3 स्टेप में संपन्न होता है। लिख दिया दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इन 3 स्टेप। 3 स्टेप ये 3 चरण में क्या आता है संभव हो पाता है। देखिए CH2H CO CH OH के होल थ्राइज आ गया और CH2OH आ गया। अब इसका रिएक्शन किसके साथ, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ C6H5 फिनाइल हाइड्राजीन है। अब यह जो प्राप्त होगा, अब यहाँ पे देखिए CH2OH आ गया। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे यह जो H2 है यह O के लेके भाग जाएगा, ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा। तो NNH C6H5। अब देखिए यहाँ पे CHOH क्या आ जाएगा, होल थ्राइज आ जाएगा, फिर CH2OH आ जाता है। अब प्लस क्या निकल गया, H2O निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया, तो H2O निकल गया। अब देखिए दूसरा इसी का फिर होगा फिनाइल हाइड्राजीन से। अब देखिए दूसरा फिर क्या है, CH2OH। अब देखिए यहाँ पे CH2OH है, फिर क्या C डबल बॉन्ड NNH C6H5 है। ठीक है, C6H5 है, फिर CHOH के क्या आ गया, होल थ्राई, फिर CH2OH है। फिर इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिए, फिनाइल हाइड्रा जिन के साथ करा दी, H2NNH C6H5। अब देखिए यहाँ से यार H2 है ना, इसको हटा कर यह क्या होगा, CHO ग्रुप क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। कौन ग्रुप आ जाएगा, CHO ग्रुप। अब देखिए CHO आ गया, फिर C डबल बॉन्ड NH C6H5, फिर आ गया CHOH का आ गया होल थ्राइज, अब यहाँ पे देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन को क्या कर दिया, इलिमिनेट करता है 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन NH3 के साथ चला जाता है। अब देखो यहाँ पे NH3, 1 हाइड्रोजन NH3 के साथ चला गया और एक यहाँ पे CHO के रूप में क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, अब फिर थर्ड स्टेप में फिर इसका रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन से कराएंगे। ठीक है, अभी थर्ड स्टेप हम कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे CHO, फिर देखिए C डबल बॉन्ड NNH C6H5। ठीक है, अब देखिए फिर CHOH के होल थ्राइज, अब फिर CH2OH, अब फिर इसका रिएक्शन कराते हैं H2NNH C6H5 के साथ कराते हैं। ठीक है, अब जो प्राप्त होगा या अंतिम प्रोडक्ट के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा CHNNH C6H5। ठीक, फिर C डबल बॉन्ड NNH C6H5, फिर CHOH के आ गया होल थ्राइज, और फिर यह प्राप्त हो गया CH2OH। अब प्लस जो प्राप्त होगा वह क्या आ जाएगा, H2O प्राप्त हो गया। अब यह जो प्राप्त है इसी को कहते हैं ओसाजोन।
क्या कहते हैं ओसा जून कहते हाँ कोई दिक्कत नहीं ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ओसा जोन कहते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में H2O भी इलिमिनेट हो गया, सेकेंड स्टेप फिर अटैकिंग हो गया, यहाँ पे क्या निकला फिनाइलमीन निकला यानी एनिलीन क्या हो गया निकल गया एनिलीन और अमोनिया निकला। फिर थर्ड स्टेप में किसी फिनाइलहाइड्राजिन के साथ करा तब ओसा जोन और H2O क्या हो गया निकल गया। तो वही कहता हूँ वेन द फ्रुक्टोज इज रिएक्ट विद द फिनाइलहाइड्राजिन देन ओसा जोन इज द फॉर्म दिस इज टू बी नोन एज द ओसा जोन फॉर्मेशन। दिस रिएक्शन इज कम्प्लीट इन द थ्री स्टेप, इन फर्स्ट स्टेप अटैक द फिनाइलहाइड्राजिन ऑन द फ्रुक्टोज देन प्रोड्यूस्ड एंड देन इलिमिनेट द H2O, आफ्टर दैट द सेकेंड स्टेप ऑल्सो अटैक एंड थर्ड स्टेप द अटैक देन द प्रोड्यूस द ओसा जोन एंड इलिमिनेट द H2O। इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। नोट कर ली हुई है ठीक। ठीक लिखिए अब लिखिए रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। अब देखिए रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त होगा ठीक। लिखिए रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN। लिखिए व्हेन फ्रुक्टोज इज react with hydrogen cyanide when fructose is react with hydrogen cyanide then cyanohydrin is obtained, this showing the presence of कीटोन इन फ्रुक्टोज। आप देखिए CH2OH CO फिर CHOH के क्या आ गया होल थ्राइड फिर CH2OH। अब इसका रिएक्शन HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करा दिए साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है साइनोहाइड्रिन यहाँ पे OH यहाँ पे CN और फिर यहाँ पे CHOH के होल थ्राइज और यह क्या प्राप्त हो गया CH2OH। इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन और यह फ्रुक्टोज में कीटोन के प्रेजेंट होने की उपस्थिति को क्या करता है दर्शाता है। तो यह रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ द कीटोन हुआ कि कीटोन की उपस्थिति के कारण इतना रिएक्शन। अब OH ग्रुप की उपस्थिति के कारण भी हम लोग अंतिम रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें दो रिएक्शन आता है पहला रिडक्शन और दूसरा रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड ठीक है। इसको क्या कर लीजिए सबसे पहले नोट कर लीजिए यहाँ पे HOH के साथ और CN क्या भी करता था जुड़ जाता है। अब लिखिए अगला कि रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट और दूसरा में OH ग्रुप 5OH ग्रुप ठीक। दूसरा लिखिए रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप दूसरा लिखिए रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ प्रजेंट ऑफ 5OH ग्रुप 5OH ग्रुप पहला लिखे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसका एसिटिक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड लिखे व्हेन फ्रुक्टोज इज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एंड हाइड्राइड इन प्रेजेंट ऑफ एनहाइड्रस जेडन सीएल टू एनहाइड्रस जेडन सीएल टू
देन पेंटा एसिटाइल फ्रुक्टोज इज ऑब्टेन देन पेंटा एसिटाइल फ्रुक्टोज इज ऑब्टेन ठीक प्राप्त होता है। अब देखिए सी एच टू ओ एच है फिर सी ओ फिर क्या प्राप्त हो गया सी एच ओ एच के क्या आ गया होल थ्राइल अबे ना सी एच टू ओ एच अब देखिए इसका रिएक्शन करा दिए सी एच थ्री सी ओ के होल ट्वाइस और ओ के साथ रिएक्शन हो गया तब क्या था एसिटी का नाइट्रेट सी एच टू ओ एच यहाँ पे वो सी ओ सी ओ आपका प्राप्त सी एच ओ और फिर सी डबल ओ सी एच थ्री यहाँ पे अब देखो अगला एसिटी का नाइट्रेट प्लस एसिटी के सी एच थ्री सी डबल ओ एच अब यहाँ पे देखो यह जो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है वो क्या होता है पेंटा एसिटाइल फ्रुक्टोज प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है पेंटा एसिटाइल फ्रुक्टोज सी एच टू सी ओ सी एच थ्री यहाँ पे सी ओ फिर सी एच फिर सी ओ सी एच थ्री के होल थ्राइड और फिर प्राप्त होता है सी एच सी ओ सी एच थ्री और फिर प्राप्त होता है सी एच टू ओ एच प्राप्त होता है ठीक है सी एच टू क्या प्राप्त होता है ओ एच प्राप्त हो जाता है सी एच टू ओ एच यहाँ पे सी एच ओ एच सीधा इसी को कहते हैं पेंटा एसिटाइल फ्रुक्टोज पेंटा एसिटाइल क्या प्राप्त हो गया फ्रुक्टोज प्राप्त हो जाता है ठीक अब देखो यहाँ पे एक दो गो यहाँ पे क्या यहाँ पे तीन गो तो इधर ही पड़ जाता है तीन चार एक पाँच पाँच गो रह गया क्या आ गया हमारे पास एसिटाइल आ गया सी एच थ्री सी एच थ्री सी डबल ओ क्या कहते हैं एसिटी ग्रुप एसिटाइल ग्रुप कहते हैं एसिटाइल तो पेंटा एसिटाइल तो तीन एक चार एक पाँच तो पेंटा एसिटाइल एसिटोल ग्रुप है तो फ्रुक्टोज तो यह क्या प्राप्त हो गया पेंटा एसिटाइल फ्रुक्टोज प्राप्त हो जाता है तो कहता है रिएक्शन में व्हेन द फ्रुक्टोज इज रिएक्ट विद द एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंट ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 देन द पेंटा एसिटाइल फ्रुक्टोज इज ऑब्टेन तब क्या प्राप्त होता है पेंटा एसिटाइल फ्रुक्टोज प्राप्त हो जाता है दिस शोइंग द प्रेजेंट ऑफ द 5OH ग्रुप इन फ्रुक्टोज और यह शो करता है दिस शोइंग द प्रेजेंट ऑफ फ्रुक्टो प्रेजेंट ऑफ 5OH ग्रुप 5OH ग्रुप इन फ्रुक्टोज इन फ्रुक्टोज ठीक है सबसे पहले इसको नोट करो दूसरा नहीं रिडक्शन आ जाता है रिडक्शन थोड़ा टू स्टेप में हो जाता है सबसे पहले इसको क्या करो नोट करो नोट कर लिया आप देखिए रिडक्शन यहाँ तो समझ में आ गया एसिटिक का एनहाइड्राइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर दो पांच से ठीक अब जब अगला लिखवा रिडक्शन रिडक्शन दूसरा आ जाता है इसका रिडक्शन लिखो व्हेन फ्रुक्टोज इज पहले इसका रासायनिक अभिक्रिया लिख लो तब अपनी भाषा बना दे अब देखो यह क्या रिडक्शन में यह क्या फ्रुक्टोज है सी एच टू ओ एच है सी ओ आ गया सी एच ओ एच के क्या आ गया होल थ्राइस और सी एच टू ओ एच तो पहले इसका रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त हो गया सी एच टू ओ एच सी यहाँ पे सी एन आ गया यहाँ पे ओ एच आ गया फिर यह जो कि फिर क्या होगा सी एच टू सी एच ओ एच ओ एच के होल थ्राइड फिर क्या आ गया सी एच टू ओ एच प्राप्त हो गया अब इस क्या करा दिए सिक्स एच आई के साथ रासायनिक अभिक्रिया करा तो सी एच टू आई फिर सी एच आई फिर सी एच आई के होल थ्राइड आ जाएगा फिर सी एच टू और आई आ जाएगा ठीक है अब प्लस सिक्स एच टू क्या आ गया बाहर निकल गया प्लस सिक्स एच टू क्या निकल गया बाहर निकल गया ठीक प्लस सिक्स एच टू क्या निकल गया बाहर निकल गया सोडियम अमलगम है तो सिक्स एच टू क्या निकल गया बाहर निकल गया अभी जो प्रोडक्ट आ गया सी एच टू आई फिर सी एच आई आ गया फिर सी एच आई क्या क्या आ गया होल थ्राइल और सी एच
टू आई आ गया, ठीक है। अब इसको फिर क्या कर दिए, सिक्स एट एच आई से रासायनिक अभिक्रिया करा, तो यह नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सी एच थ्री प्राप्त हो जाता है, सबके जगह पर एच एच एक आ जाएगा, फिर यहाँ पे सी एच टू, यहाँ पे सी एच टू क्या होल थराई जा जाता है और यहाँ सी एच थ्री प्राप्त हो जाता है, ठीक है। सी एच थ्री अब प्लस सिक्स आई टू बाहर निकल जाता है। अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन द फ्रुक्टोज इज रिड्यूस विद द सोडियम अमलगम, व्हेन फ्रुक्टोज इज रिड्यूस विद द सोडियम अमलगम, ठीक है, सोडियम अमलगम के साथ होगा। देन द हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल इज ऑब्टेन व्हिच इज आल्सो रिएक्ट विद द एच आई एंड द प्रोडक्ट इज आल्सो रिड्यूस, देन द प्रोड्यूस द हेक्सा नॉर्मल हेक्सेन, दिस शोइंग द प्रेजेंट ऑफ द फाइव ओएच ग्रुप इन द फ्रुक्टोज। तो लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, व्हेन When fructose is reduced with sodium amalgam and HI, then normal hexane is obtained. Normal hexane is obtained. This is showing the present of state chain in fructose. अब यह फ्रुक्टोज में देखिए यहाँ पे सोडियम अमलगम के साथ हेक्साहाइड्रिक क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया, फिर इसको एच आई के साथ सब एच आई इसमें सटता जाएगा और एच टू क्या निकल गया, बाहर निकल गया, ओ एच भी बाहर, यहाँ के ओ एच भी बाहर, यहाँ के ओ एच भी बाहर, यहाँ के ओ एच सब बाहर सट गया, फिर इसको सिक्स एच आई के साथ करा दिया, तब यह क्या प्राप्त हो गया, नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त हो गया, नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त हो गया, सिक्स आई टू बाहर आ गया। यह क्या हो गया, रिडक्शन इसका था। अंतिम टॉपिक हम लोग का यहीं तक था। नोट कर ली होगा तो आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।